हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम एक्सपेंसेस और कैपिटल क्या होते हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कुछ और टर्म्स और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट कर पाएंगे। तो टेक अ मिनट एंड डू डीप ब्रीदिंग एंड देन वी बिगिन विद द क्लास। तो आज की क्लास में सबसे पहली चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो है अकाउंट क्या होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे उसकी और फिर उसको डिटेल में समझेंगे कि अकाउंट होता क्या है। अकाउंट को हम डिनोट करते हैं कैसे, A/C। अब आगे चल के हमें अकाउंट वर्ड हर चीज़ के आगे ही लगाना पड़ेगा तो अकाउंट पूरा पूरा लिखना पॉसिबल नहीं रहता, तो हम A/C ही लिखते होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे अभी अकाउंट की। इट इज अ समरी / रिकॉर्ड showing detailed description regarding a particular item. तो अकाउंट क्या होता है, ये एक समरी है या फिर एक रिकॉर्ड है जो कि क्या दिखाता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन किस चीज़ के बारे में, एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में। अब हमने जर्नल में क्या किया होता है, सारी ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड किया होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब कि एज एंड व्हेन दे अकर। तो अब वो डिफरेंट डिफरेंट आइटम से रिलेटेड होती है ट्रांजैक्शंस। तो अगर हमें किसी एक चीज़ का बैलेंस देखना होता है, बैलेंस मतलब कि कितना अभी उस चीज़ में हमारे पास पड़ा है या कितना उस चीज़ के कारण हमें आगे चल के देना है, हम वो पता नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप रहता है अकाउंटिंग का, क्या देखा था हमने, फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग, सेकंड स्टेप होता है रिकॉर्डिंग और थर्ड स्टेप होता है क्लासिफाइंग, जिसमें हम लेजर में क्लासिफाई करते हैं और हम क्या बनाते हैं, ढेर सारे अकाउंट्स बनाते हैं। तो ये अकाउंट में क्या होता है, उस चीज़ से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी, जो भी चीज़ों ने उसको अफेक्ट किया, मतलब कि उसको इंक्रीज़ किया या फिर डिक्रीज़ किया, वो एक ही जगह पे पड़ी होती है और उसका बैलेंस हमें साफ साफ दिख रहा होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम अकाउंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए ऑन क्रेडिट ₹50,000। 50,000 के हमने क्या करे, गुड्स बेचे ए को क्रेडिट पे, तो ए हमारा क्या हो गया, डेटर हो गया। जैसे कि हमने पीछे क्लास में देखा ही था कि डेटर क्या होता है, जो अमाउंट हमें ओ करता है, जिसको हमने गुड्स बेचे होते हैं उधार पे, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस उसे हम क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। आगे चल के ये हमें पैसे देगा। फिर क्या हुआ, हमने गुड्स बेच दिए, किसी और दिन क्या किया, हमने इससे कुछ कैश रिसीव कर लिया, कैश रिसीव, फॉर एग्ज़ाम्पल 30,000 हमने क्या किया, कैश रिसीव कर लिया। फिर क्या हुआ, किसी दिन हमने फिर से गुड्स बेच दिए उधार पर, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर ए ₹10,000। तो अब हम इसका बैलेंस कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, जितना हमने उसको सेल किया, कितने की सेल करी थी, 50,000 की, फिर उसने क्या किया, हमें ₹30,000 वापस भी कर दिए, उसमें से हम माइनस करेंगे कैश रिसीव, क्योंकि पहले उसने हमें 50,000 देना था, 30,000 उसने हमें ऑलरेडी दे दिया, तो आज के दिन वो हमें ₹20,000 ओ करता है, ₹20,000 उसने आगे चल के हमें देने हैं। पर फिर से हमने उसको गुड्स बेच दिए कुछ क्रेडिट पे, तो फिर से हमें वो सेल्स ऐड करनी पड़ेंगी, फिर से उधार पे माल बेच दिया ₹10,000। तो अब वो फाइनली हमें ₹30,000 ओ करता है, आगे चल के वो हमें कितने रुपए देने वाला है, ₹30,000 वो हमें देगा। अब उसकी मर्ज़ी वो ये पार्ट्स में दे या एक ही बारी में हमें ₹30,000 वापस कर दे, पर ₹30,000 उसने हमें देने हैं। अब ये बैलेंस निकालने का
क्या था, देसी तरीका था। इस बैलेंस को सही तरीके से प्रॉपर मेथड फॉलो करके जब हम निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। अकाउंट की दो साइड रहती हैं, डेबिट और क्रेडिट। अब क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमने पोस्टपोन किया हुआ है जर्नल के लिए, तो ऐसे ही ये अकाउंट मैं पोस्टपोन कर रही हूँ लेजर के लिए। जब तक हमें जर्नल नहीं आता हम लेजर नहीं सीख सकते सही से। तो अकाउंट का मतलब अगर मैं अभी आपको बता भी दूँ आपको अच्छे से समझ में ही नहीं आएगा। तो हम अकाउंट कब करेंगे, सही टाइम पे करेंगे, और वो सही टाइम है जब हम लेजर स्टार्ट करेंगे, तो ही हम प्रॉपर अकाउंट बनाएंगे। और आपको फॉर्मेट बताऊंगी प्रॉपर कि कैसे अकाउंट बनता है, क्यों वो उस तरीके से बनाया जाता है और उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ हमें बस पता चल गया कि अकाउंट का मीनिंग क्या होता है। अकाउंट में रिकॉर्ड होता है एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस का एक साथ में, उसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। तो अब हम अकाउंट का कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं कि क्या क्या अकाउंट्स हो सकते हैं। तो एग्जांपल्स में हमारे पास जैसे है डेटर्स का अकाउंट, इंडिविजुअल डेटर्स के नाम पर अकाउंट खोला जाता है। तो अभी यहाँ पर हम डेटर्स अकाउंट ही लिख रहे हैं। फिर क्रेडिटर्स का अकाउंट, जैसे एसेट का अकाउंट हो गया, लाइबिलिटी का अकाउंट हो गया, किसी एक्सपेंस का अकाउंट ले लेते हैं, जैसे रेंट का अकाउंट हो गया, रेंट हमने पे किया तो रेंट अकाउंट। ऐसे ही किसी इनकम का भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट हमने रिसीव किया तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट A/C करके हम लोग लिखते हैं। और जब हम इसको प्रॉपर मेथड से बनाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, अकाउंट बोलेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें इस लेक्चर में सीखनी है वो है एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बिजनेस इज एन एंटिटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, या फिर ज़्यादा लोग हैं तो ओनर्स। क्या बोल रहा है ये कॉन्सेप्ट कि बिजनेस जो है हम उसको उसके ओनर से एक अलग एंटिटी मानते हैं। चाहे वो बिजनेस उस ओनर ने ही शुरू किया है, उसने ही पैसे लगाए थे इस बिजनेस को स्टार्ट करने में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। लेकिन बिजनेस और ओनर को हम डिफरेंट मानते हैं। अब ये डिफरेंट हम क्यों मानते हैं, देखो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस। इनकम हमने क्या सीखा था, किसी भी तरीके से हम कोई भी कमाई कर रहे हैं, वेदर इट इज़ फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और फ्रॉम दी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, आगे चल के हमने उसको वापस नहीं करना था। इनकम क्या होती है, वो हमारी कमाई होती है, वो आ गया हमारे पास तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। जैसे कि सेल्स हो गई हमारी, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव, जैसे कि डिविडेंड्स रिसीव, तो वो क्या होती है, हमारी इनकम्स होती हैं। और ऐसे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, खर्चे होते हैं, जैसे प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, जितने भी तरह के खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। तो प्रॉफिट क्या होता है, जब हम कमाई में से सारे खर्चे माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या रह जाता है, प्रॉफिट रह जाता है, कि कितना हमने एक्चुअल में अर्न कर लिया। जेनरेट तो हमने इतना कर लिया, हमने अर्न कितना किया असली में, उसे क्या बोलते हैं, हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो अब देखो एक ओनर क्या कर सकता है, अब एक्सपेंसेस हो रहे हैं, पहले तो बिज़नेस के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जैसे वो रेंट दे रहा है फैक्ट्री का या बिल्डिंग का, किसी भी चीज़ का वो रेंट दे रहा है, वो खर्चा हो रहा है बिज़नेस का, सैलरीज दे रहा है वो बिज़नेस का खर्चा। अब वो क्या कर सकता है, उसके कुछ पर्सनल खर्चे भी होंगे, तो वो पर्सनल खर्चे अगर यहाँ पर डाल देगा तो क्या करेगा, अपने प्रॉफिट को वो अंडरस्टेट कर देगा। अंडरस्टेट मतलब कम कर दिए उसने अपने प्रॉफिट। कैसे कम किए, एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इनकम जो बिजनेस ने कमाई वो 10 लाख की कमाई, खर्चे जो हुए थे एक्चुअल जो बिजनेस एक्सपेंसेस थे वो कितने थे,
5 लाख के थे, तो प्रॉफिट हमारे पास कितना था? प्रॉफिट हमारे पास था 10 लाख माइनस 5 लाख, तो 5 लाख हमारा एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट था। अब वो ओनर क्या करेगा, इस प्रॉफिट को कम करना चाहेगा। प्रॉफिट को कम कैसे करेगा, अपने पर्सनल खर्चों को क्या करेगा, बिजनेस के खर्चे दिखाकर माइनस कर देगा और अपना प्रॉफिट क्या कर लेगा, कम। जैसे कि अब उसने अपना पर्सनल खर्चा यहाँ पर डाल दिया 50,000 रुपये का, ये ओनर का अपना पर्सनल खर्चा था, तो क्या हुआ, ये जो एक्सपेंसेस का टोटल हो गया ये हो गया 5,50,000, और प्रॉफिट कितना रह गया, 10 लाख में से हम माइनस करेंगे 5,50,000, 4,50,000 हमारा प्रॉफिट रह गया। तो उसने प्रॉफिट को क्या कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया प्रॉफिट को। अब प्रॉफिट डिक्रीज़ कर दिया तो जो टैक्स होता है वो प्रॉफिट पोर्शन पे देना होता है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हमसे पैसा कलेक्ट करते हैं हमारे इनकम के ऊपर उसको हम टैक्स बोलते हैं। तो अब उसने अपना टैक्स जो है बचा लिया, टैक्स जो है वो उसने इवेड कर दिया। अब ताकि ओनर्स ऐसा ना कर सके, हमें ट्रू बिजनेस प्रॉफिट पता चल सके और दूसरा प्रॉफिट अंडरस्टेट ना कर सके वो, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ओनर और बिजनेस को बिल्कुल अलग मानते हैं। मतलब कि बिजनेस एक्सपेंसेस अलग होंगे और ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस बिल्कुल अलग होंगे, हमें ये एक दूसरे से सेपरेट करने पड़ेंगे तभी हम बिजनेस का रियल प्रॉफिट जान सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के ही कारण मैंने आपको क्या बोला था, जब भी हम सम करेंगे हम क्या याद रखेंगे, वी आर बिजनेस, ये हम हमेशा याद रखने वाले हैं। हम क्या हैं, हम हैं बिजनेस। हम अपने आप को ओनर नहीं मान के चलते, हम अपने आप को बिजनेस मान के चलते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ओनर को हम क्या मान के चल रहे हैं, क्रेडिटर मान के चल रहे हैं। ओनर को हम क्या ट्रीट करते हैं, क्रेडिटर की तरह ही ट्रीट करते हैं। जब हमें फंड्स चाहिए थे, या तो क्या होता, हम बाहर से लोन ले लेते और हमारी लायबिलिटी खड़ी हो जाती, पर अब क्या हुआ, ओनर ने ही अपने पैसे लगा दिए तो उसको हमने कैपिटल बोला था, तो कैपिटल भी क्या होती है, हमारे लिए लायबिलिटी होती है, तो हम क्रेडिटर मान के चल रहे हैं। हम क्या हैं, बिजनेस। आगे चल के हमें उसको, उसने जो पैसा लगाया था हमें उसको वो वापस करना होगा, इसलिए लायबिलिटीज़ की एक और तरह की बाइफोकेशन होती है। तो लायबिलिटीज़ को हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, उस दिन तो हमने करंट और नॉन करंट सीख लिया था, पर लायबिलिटीज़ को वैसे हम दो टाइप का बोलेंगे, एक तो इंटरनल और दूसरा क्या, एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल, और एक्सटर्नल में हमारे पास क्या आ जाएंगे, अदर बोरोइंग्स जो हमने बाहर से करी। हमें फंड्स चाहिए थे, या तो हम इंटरनल सोर्सेस से ले सकते हैं, जो कि ओनर ने खुद पैसा लगा लिया उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो वो इंटरनल फंड्स हमारे जेनरेट हो गए तो वो इंटरनल लायबिलिटी होती है। वेयरएज हम अदर बोरोइंग्स करते हैं, हमने कोई और लोन ले लिया होता बाहर से, अगर उसके पास इतने पैसे ना होते हम बाहर से लोन लेते तो उसको हम क्या बोलते, एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते। अब अदर बोरोइंग्स तो हमें पता ही है हमारी लायबिलिटी होती है, करंट भी हो सकती है नॉन करंट भी हो सकती है। अब कैपिटल हमारी क्यों लायबिलिटी है, इस कॉन्सेप्ट के कारण कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि बिजनेस और ओनर सेपरेट एंटिटीज़ हैं, उनको अलग अलग मान के चलो और बिजनेस की ट्रांजैक्शंस और ओनर की अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शंस को डिस्टिंक्ट मानो, सेपरेट करो उन्हें एक दूसरे से। तो इसलिए कैपिटल भी हमारी क्या होती है, कैपिटल भी हमारी लायबिलिटी होती है। आगे चल के हमें इस ओनर को पैसे लगाने के लिए बिजनेस में पैसा वापस भी करना होगा, इसलिए हम उसको ट्रीट करते हैं एज अ क्रेडिटर। ओनर ट्रीटेड एज क्रेडिटर, पर असल में वो इंटरनल लायबिलिटी है। तो सबसे पहले आप लोग इतना नोट डाउन करें और फिर हम आगे की टर्म सीखेंगे। अब नेक्स्ट टर्म जो हमने सीखनी है उसका नाम है ड्राइंग्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि ये होती क्या है। तो ड्राइंग्स, इट इज़ द टोटल अमाउंट
ऑफ कैश और अदर रिसोर्सेज मतलब एसेट्स withdrawn by the owner for personal use. अब क्या लिखा है यहाँ पे drawings क्या होता है total amount cash या फिर other resources मतलब कि assets जो withdraw करता है owner किस लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए. अब जब ओनर कैश लेकर आता है कैश इन्वेस्ट करता है बिजनेस में हम उसको कैपिटल बोलते हैं. इसी तरीके से ओनर कुछ रिसोर्सेज मतलब कुछ एसेट्स भी लेकर आ सकता है कैश की बजाय उसको भी हम क्या बोल देते हैं कैपिटल ही बोलते हैं. अब जैसे अब वो पैसे लेकर आ रहा था एसेट्स लेकर आ रहा था बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए इसी तरीके से वो कुछ चीज़ें विड्रॉ भी कर सकता है बिजनेस में से. जैसे कभी उसको कैश की ज़रूरत पड़ी अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसने वो पैसे विड्रॉ कर लिए कहाँ से बिजनेस से. अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ओनर और बिजनेस को क्या मानते हैं डिफरेंट मानते हैं डिस्टिंक्ट मानते हैं. इसलिए जो उसकी पर्सनल चीज़ें हैं उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो बिजनेस में से विड्रॉ कर लिया चाहे कैश किया चाहे अदर रिसोर्सेज करें मतलब एसेट किए जैसे कि वो कोई लैपटॉप ले गया बिजनेस के पास कोई लैपटॉप था वो उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर ले गया बिजनेस में से तो उसे हम क्या बोलते हैं टोटल अमाउंट वो जो कैश की होगी और उस एसेट की होगी उस टोटल अमाउंट को हम क्या बोल देते हैं ड्रॉइंग्स बोलते हैं. एग्जांपल लिखेंगे हम इसका कैश रुपीस 50,000 एंड लैपटॉप रुपीस 60,000 withdrawn and taken away by the owner for personal use. तो यहाँ पर ड्रॉइंग्स की अमाउंट क्या होगी. एक तो वो कैश विड्रॉ करके ले गया बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए तो कैश जितना उसने विड्रॉ किया 50,000 रुपीज़ एक तो वो उसकी ड्रॉइंग्स हैं और लैपटॉप भी साथ में वो ले गया किस लिए पर्सनल यूज़ के लिए तो ये लैपटॉप की जो अमाउंट है ये भी क्या है ये भी अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स है. तो टोटल ड्रॉइंग्स की अमाउंट जो ये ओनर विड्रॉ कर ले गया पर्सनल यूज़ के लिए वो हो गई 110,000. तो ये 110,000 क्या है ये ओनर ने ड्राइंग्स कर ली वो ये अमाउंट विड्रॉ करके ले गया है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए. तो अब देखो क्या होता है जब वो मनी या रिसोर्सेज लेकर आता है तो उससे क्या होता है कैपिटल बढ़ जाती है. जब ओनर इन्वेस्ट मनी और रिसोर्सेज इन बिजनेस तो क्या होता है कैपिटल बढ़ जाती है इंक्रीज हो जाती है. लेकिन जब ओनर विदड्रॉ करके ले जाता है इन चीज़ों को पहले लेकर आया था तब कैपिटल बढ़ गई अब वापस लेके जा रहा निकाल के लेके जा रहा है क्या लेके जा रहा है मनी भी लेके जा सकता है रिसोर्सेज भी लेके जा सकता है फ्रॉम बिजनेस तो उससे क्या होगा हमारी जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या हो जाएगी कम हो जाएगी. तो अब ध्यान रखोगे जब ओनर कुछ भी लेकर आ रहा है तो उसकी कैपिटल का बैलेंस क्या हो रहा है बढ़ जाता है. ऐसे ही जब ओनर कुछ विड्रॉ करके लेके जाता है किस लिए पर्सनल यूज़ के लिए. पर्सनल यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है. अगर ऑफिस यूज़ के लिए लेके जा रहा है तो उसको हम ड्राइंग्स नहीं बोलते
सिर्फ अगर पर्सनल यूज के लिए लेकर जा रहा है, ऑफिस यूज के लिए गया तो वो बिजनेस एक्सपेंडिचर ही है, उसको हम नॉर्मल मानेंगे। लेकिन अगर पर्सनल यूज के लिए उसके खुद से रिलेटेड है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण, हम क्या करेंगे, उसको हम ड्रॉइंग्स मानेंगे, चाहे कैश लेकर जाए चाहे रिसोर्सेज लेकर जाए। तो अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, यहाँ पे 110,000 की ड्रॉइंग्स हो गई, तो अगर उसकी जो कैपिटल थी उसका बैलेंस हमारे को दिया हुआ था कितना, 10,00,000 मान लेते हैं, 10,00,000 कैपिटल बैलेंस दे रखा था। और अब उसने क्या कर ली, ड्राइंग्स कर ली, कितनी, 110,000 की उसने ड्राइंग्स कर ली। तो अब उसकी कैपिटल का बैलेंस कितना रह गया, अब उसकी कैपिटल का जो बैलेंस है, बैलेंस मतलब कितना उसमें रहता है, उस वो हो जाएगा 10,00,000 में से हम माइनस करेंगे ड्राइंग्स, कैपिटल में से हम ड्राइंग्स माइनस करते हैं, 8,90,000 उसकी कैपिटल का बैलेंस रह गया। ये जो बैलेंस है ये वो अमाउंट बता रहा है जो हमें ओनर को वापस करनी है, क्योंकि हम ओनर को क्या मान के चलते हैं, क्रेडिटर मान के चलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण। तो ये कैपिटल का जो बैलेंस होता है ये असल में हमें वो चीज़ दिखाता है जितनी बिजनेस की तरफ से ओनर को देने में ड्यू है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल का बैलेंस। क्या ध्यान में रखना है, जब ओनर पैसे या रिसोर्सेज मतलब एसेट्स कुछ लेकर आता है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, उससे कैपिटल बढ़ जाती है। जब वो कुछ विड्रॉ करके लेके जाता है सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए, तो उससे क्या होता है, कैपिटल कम हो जाती है। और लास्ट में जो हमारे को बैलेंस असल में कैपिटल में बाद में दिखा करेगा, बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे वहाँ जो हमें कैपिटल का बैलेंस दिखता होता है वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि कितनी अमाउंट ड्यू है बिजनेस की तरफ से ओनर को देने के लिए। तो यहाँ पे मैं ये लिख भी दूँ कि ये जो कैपिटल बैलेंस होता है जो हमें बैलेंस शीट में दिखा करेगा आगे चल के, ये क्या दिखाता है, अमाउंट ड्यू टू द ओनर, इतना हमें उस ओनर को देना है, हमारी तरफ से इतना देना बनता है ओनर को बिजनेस की तरफ से। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए।